उधर ग्वालियर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। ग्वालियर की झांसी रोड पुलिस ने लेडी गैंग की दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ी इस लेडी गैंग ने मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र और यूपी के कई शहरों में वारदात को अंजाम दिया है। ग्वालियर पुलिस को उम्मीद है कि इस लेडी गैंग से कई और बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा होगा। पुलिस अब इस लेडी गैंग को अन्य महिला सदस्यों को दबोचने में जुट गई है। पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला चोरों का नाम उषा उर्फ गुट्टी जाटव और बबीता जाटव बताया जा रहा है, जबकि इनकी तीसरी सहयोगी नीतू जाटव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। उषा और नीतू से पूछताछ पर पता चला कि 18 नवंबर को ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में ज्वेलर की दुकान में इसी गैंग ने चोरी की थी। इन्होंने पूछताछ में जो बताया है वो काफी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि इनका नागपुर में भी ये लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं, महाराष्ट्र में भी ये लोग वारदात करते थे, इन्होंने भिंड में भी वारदात करना कबूल किया है। इस ढंग से काफी बड़ा ग्रोह जो महिलाओं का इस ढंग से ऑपरेट करता था, योजनाबद्ध तरीके से और पेशेवर तरीके से चोरी करते थे। आध घंटे बाद हमने जब उनको देखा कि कंगन इसमें से दो नहीं है, हमने उनमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जिसमें उन महिलाओं को उठाते हुए और रखते हुए पता चला। हमने तत्काल 100 नंबर पर डायल किया, जिसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने फिर अपने हिसाब से जो पूछताछ। सर चोरी में पहली बार फंसी गई, उसको पैसे आ रहे थे नीतू के मेरे पे 20,000 रुपये, उसने कहा मेरे साथ चल, इस में चली गई मेरी। किस तरह से कहां चोरियां की अभी तक? कहीं नहीं करे सर, कहीं नहीं। पहली बार की है? बच्चा लेके जाती थी चोरी करने? नहीं।